पुलवामा की घटना और अनुच्छेद 35A पर सुनवाई की खबरों के बीच जब अचानक केंद्र सरकार ने 14 साल बाद श्रीनगर में बीएसएफ की तैनाती की तो सभी सक पका गए। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बॉर्डर की रक्षा करने वाली ये कंपनी यहां कैसे आ गई। केंद्र सरकार द्वारा घाटी में अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती को लेकर आज घाटी में बंद बुलाया गया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे लेकर सरकार पर कई सवाल दागे हैं। सड़कों पर पसरा सन्नाटा, दुकानों पर लटके ताले, सूने पड़े बाजार, ये तस्वीरें हैं घाटी की राजधानी श्रीनगर की। जहाल गांववादियों के बंद की वजह से कर्फ्यू जैसे हालात हैं। हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी और अनुच्छेद 35A पर सुनवाई के विरोध में अलगाववादियों ने आज बंद का आह्वान किया है। दरअसल 25 फरवरी से 28 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 35A पर सुनवाई करेगा कि जम्मू कश्मीर के लिए बेहद संवेदनशील इस मुद्दे को हटाया जाए या नहीं। लेकिन हुर्रियत नेता नहीं चाहते कि इसे खत्म किया जाए, इसीलिए वो आज सब कुछ बंद कर विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हैं। वहीं इन सबके बीच सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 100 से ज्यादा कंपनियों को शहर में तैनात कर दिया है, जिसमें बीएसएफ के जवान भी शामिल है। श्रीनगर में 14 साल बाद बीएसएफ की तैनाती की गई है, जिससे घाटी अशांत हो गई है। सभी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर केंद्र ऐसा क्या करने जा रहा है जिसकी वजह से सरकार ने बीएसएफ को शहर में तैनात कर दिया है। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सरकार पर कई सवाल दागे हैं। उन्होंने लिखा है कि घाटी में विशेषकर शहरों और कस्बों में लोगों को लग रहा है कि कोई बड़ी घटना होने वाली है या मुसीबत आने वाली है। लोग घरों में राशन, पेट्रोल और ईंधन जमा कर रहे हैं। कुछ सरकारी आदेश लोगों में डर और उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि उम्मीद करता हूं सरकार में कोई सुन रहा होगा। लोगों में डर और चिंता है। कई टीवी चैनलों पर जारी अटकलबाजियां भी लोगों की चिंता को बढ़ा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ से आग्रह है कि लोगों में डर की भावना दूर करने और विश्वास की बहाली के लिए कोई बयान जारी करें। डीबी लाइव की रिपोर्ट।